राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी पर उनके द्वारा मित्र कहे जाने को लेकर पलटवार किया है और इस बार गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी की पोल खोलकर सभी के सामने रख दी है। तो क्या कहा है अशोक गहलोत ने, इस रिपोर्ट में देखें। कुछ समय पहले पीएम मोदी ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को उनकी तारीफ में मित्र कहकर पुकारा था, लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत ने 16 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए एक बार फिर से इसे चालबाजी करार दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों के इस्तेमाल में होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करते हैं। बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के लिए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम अशोक गहलोत पर तंज कसा था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक मित्र के नाते आप जो भरोसा रखते हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इन दिनों वे राजनीतिक आपाधापी और अनेक संकटों से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद वो विकास के काम के लिए समय निकाल कर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान पर अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और जमकर निशाना साधा। इसी के साथ अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और मणिपुर जैसे हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए निर्वाचित सरकारों को गिराने की देश में राजनीति में एक नया मॉडल बनाने का आरोप लगाया। सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुझाव देते हुए कहा कि जब मैं सीनियर हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी सलाह माननी चाहिए और पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना को लागू करना चाहिए। गहलोत ने कहा कि ओपीएस लागू करें, ये आपको पहली सलाह है और हमने राजस्थान में जो योजना बनाई है उसे आप पूरे देश में लागू करें। आपको बता दें कि साल के आखिरी में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस एक्टिव मोड में है। इस बार जीत का दावा भी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है जिससे बीजेपी घबराने लगी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।